दुनिया के लिए 2020 की शुरुआत कड़वे करेले के रस से हुई है, यानी अभी पूरे साल दुनिया को कई मुश्किल से रूबरू होना पड़ सकता है। पर फिलहाल तो अमेरिका और ईरान के बीच उपजे माहौल ने सभी देशों में बेचैनी बढ़ा रखी है। चिंता की बात यह है कि अमेरिका और ईरान पर सभी देशों द्वारा की जा रही संयम और शांति की अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका अपने फैसले को जहां उचित ठहरा रहा है, वहीं ईरान ने कौम शहर की मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर अपने मंतव्य को जाहिर कर दिया है। इसके बाद तो दुनिया में हलचल सी मच गई है। अभी अभी इराक से एक बड़ी खबर ने सबकी नींद उड़ा दी है। बगदाद से सूचना आ रही है कि ईरान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अमरीकी सैनिकों के इराकी एयरबेस पर कार्रवाई की है। अमरीका रक्षा विभाग पेंटागन ने इराक की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। पेंटागन ने ईरानी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान ने अमेरिका के दो एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान द्वारा की गई इस आक्रामक कार्रवाई में कई अमेरिकी सैनिकों के जद में आने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है देर रात ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों से अटैक किया, जिसके बाद एयरबेस के आसपास लपटें उठती हुई दिखाई दी। इस अचानक हुए ईरानी एक्शन से एयरबेस में हड़कंप मच गया। इधर रूहानी ने कहा है कि ईरान अपनी अंतिम सांस तक अमेरिका का सामना करेगा। बगदाद में ईरान द्वारा मिसाइलें दागने के बाद अमेरिका ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही अमेरिकी सेना को अगले आदेश के लिए इंतजार करने को कहा गया है। अमेरिकी वायुसेना ने एक साथ 50 से अधिक सशस्त्र लाइटनिंग सेकंड लॉन्च किया है। अमेरिका ने यह तैयारी ईरान पर पहले से घोषित की गई कार्रवाई के मद्देनजर की है। अमेरिका के इन विमानों ने उटाह में इल एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। इन विमानों की कीमत $52 बिलियन बताई जा रही है। इन विमानों का नाम F-35A है। इस अभ्यास के द्वारा अमेरिकी वायुसेना की भारी ताकत ईरान को दिखाई गई है, ताकि वे अपने कदम वापस ले सके। मगर इसके बावजूद ईरान ने बगदाद के अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागकर संघर्ष का ऐलान कर दिया है। अचानक से की गई ईरान की इस कार्रवाई से अमेरिका तिलमिला गया है। उसने ईरान से कहा है कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि अभी एयरबेस पर हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आशंका है कि इससे अमेरिका को काफी क्षति उठानी पड़ी है। बताया जाता है ईरान द्वारा अमेरिकी एयरबेस पर गिराई गई मिसाइलें आधी रात के बाद छोड़ी गई है। उस वक्त अधिकतर सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे। समाचार एजेंसी AFP ने भी इसकी पुष्टि की है। ईरान द्वारा इराक में अमेरिका के दो सैन्य ठिकानों पर दागी गई मिसाइलों की संख्या एक दर्जन से अधिक है। इसने एयरबेस के आसपास काफी बड़ी क्षति पहुंचाई है। इस एयरबेस पर अमेरिका के साथ गठबंधन सेनाएं तैनात हैं। अमेरिका ने ईरानी कार्रवाई की पुष्टि तो की है, लेकिन किसी भी नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इराक में ईरान द्वारा की गई गुस्ताखी की वे बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ परामर्श भी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रीसम ने कहा है कि वे इराक की रिपोर्ट से अवगत हैं। ईरान को जल्दी ही इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इराक में अपनी कार्रवाई को जायज ठहराते हुए कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका को कासिम की मौत की बड़ी कीमत चुकानी होगी। किसी भी हाल में ईरान अपने कदम वापस नहीं खींचेगा। ईरान तैयार है और उसका बच्चा बच्चा तैयार खड़ा है।